है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति राणा। सो आज मैं क्रिएट कर रही हूँ अपना 31st ईव मेकअप लुक। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहे हमारे साथ, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस मेकअप वीडियो। हे एवरीवन, सो आज मैं कर रही हूँ अपना 31st ईव मेकअप लुक। सो अभी मैं अपना मेकअप का सामान ढूँढ रही हूँ, क्योंकि अभी मैं दिल्ली में हूँ तो बहुत ही कम मेकअप प्रोडक्ट मैं लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ, तो उसी से मैं ये मेकअप वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है और कोल्ड क्रीम भी अप्लाई कर लिया, बिकॉज मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहा था। सो अब मैं जो है ये एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, ताकि जो मेकअप है मेरा अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो इसको मैं अच्छे तरीके से अपने फेस पे जो है ब्लेंड करूँगी। तो इसको मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ, और मेरे फेस पे पिंपल भी हो गया है नोज़ के पास में। तो बहुत दिनों बाद जो है मैं अपनी मेकअप वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो आज घूमने भी जाना है तो दिल्ली में, तो इसलिए जो है मैं मेकअप कर रही हूँ अपना। सो एलोवेरा जेल तो मैंने लगा लिया है, और अब मैं लगा रही हूँ ये बीबी प्लस क्रीम। ये फाउंडेशन क्रीम है, तो इसको मैं इस तरीके से टैप टैप कर लूँगी अपने पूरे फेस पे। और इस तरीके से मैंने टैप टैप कर लिया, और दूसरे वाले गाल पे भी मैं इसी तरीके से टैप टैप कर लूँगी, और मैं अपने हाथों से इसको इस तरीके से और टैप टैप कर लेती हूँ। और मैंने जो है ब्यूटी ब्लेंडर को गीला कर लिया है, तो इसको ब्यूटी ब्लेंडर को मैं इस तरीके से लगाऊंगी। तो उससे पहले मैं कंसीलर भी अप्लाई कर लेती हूँ, बिकॉज कम टाइम है मेरे पास और मुझे 15 मिनट में रेडी होना है, तो इसलिए मैं कंसीलर और बीबी प्लस फाउंडेशन क्रीम सारा कुछ अप्लाई कर ले रही हूँ, और उसके बाद मैं करूँगी मिक्स। तो इसके लिए मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने ऑलरेडी वेट कर रखा हुआ है पानी से, तो इसलिए ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जा रहा है। और ये थोड़ा नाक का पिंपल थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट मेकअप करने के बाद ये ढक जाएगा, मतलब ढकेगा तो नहीं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था तो इस वजह से मैंने मेकअप वीडियो नहीं बनाई, बट अब थोड़ा सा हो गया है, 2-3 दिन इसको ठीक होने में और लगेंगे। सो बैकग्राउंड साउंड जो है बहुत आ रहा है, उसको इग्नोर करें। तो मैंने तो लगा लिया है ये कंसीलर फाउंडेशन क्रीम, तो इसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है ब्लेंड कर लिया है अच्छे तरीके से। और अभी ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, अभी थोड़ा ये मेकअप करने के बाद जो है सेट हो जाएगा तो थोड़ा लाइट लगेगा। तो ये तो मैंने लगा लिया है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं सही कर लेती हूँ, बिकॉज थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो इसको लाइट करने के लिए मुझे इसको और अच्छे तरीके से जो है ब्लेंड करना पड़ेगा। तो मैंने कर लिया है पूरे फेस पे कवर इसको। सो बढ़ते हैं हम अगली प्रोसेस की तरफ। तो अब मैं लगाऊंगी ये फेस पाउडर, ये गिर गया था मेरे हाथ से, तो इसको मैं अप्लाई करूंगी। तो मैं ज़्यादा कोई मेकअप प्रोडक्ट लेके नहीं आई, मैंने सोचा कि मैं मेकअप वीडियो नहीं बनाऊंगी, बट मुझे लगा कि मुझे मेकअप वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं जितने भी प्रोडक्ट लेके आई हूँ तो उनसे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करती, मैं ज़्यादातर कम इन्वेस्टमेंट वाले मेकअप प्रोडक्ट का यूज़ करती हूँ। तो फेस पाउडर मैंने अप्लाई कर लिया है, और इसको मैं थोड़ा और अच्छे से ब्लेंड करूँगी इस तरीके से, अपने पूरे फेस पे कवर करूँगी, और नेक पोर्शन में अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि मैं इनर पहनने वाली हूँ और हुड पहनूँगी, तो उसमें नेक पोर्शन तो दिखने नहीं वाला है, तो सिर्फ फेस ही दिखेगा, तो फेस मेकअप कर रही हूँ मैं। सो नेक्स्ट अब मैं बनाऊँगी अपने आईब्रोज। तो आईब्रोज़ के लिए मैंने ब्लैक पेंसिल यूज़ करी है, तो इससे आप काजल भी लगा सकते हो और आईब्रोज़ भी बना सकते हो, और एज अ लाइनर का भी यूज़ कर सकते हो, बट जो मेरी आईज़ हैं वो थोड़ा बल्की टाइप की हैं, तो
बम्प वाली आईज़ हैं, तो इस वजह से मैं लाइनर अप्लाई नहीं करती हूँ इसका, बिकॉज़ ये पूरा स्मज हो जाता है मेरे आईज़ पे, तो इस वजह से मैं इसको आईब्रो पेंसिल की तरह यूज़ करती हूँ और इसको फिर मैं ब्रश से अप्लाई कर लेती हूँ ताकि आईब्रो पेंसिल मतलब लाइनें ना दिखे उसकी, अच्छे तरीके से ये जो है ब्लेंड हो जाए पूरे स्किन पे और हेयर्स जो हैं बिल्कुल हेयर और स्किन के टेक्सचर जो है सेम लगे ब्लैक शेड में। तो मैं इसको इस तरीके से, और एक जो आईब्रो है इसमें कुछ ज़्यादा लग रहा है बिकॉज़ मेरे पास बहुत ही कम टाइम था, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी अपना मेकअप कर रही हूँ, तो इसको मैं अच्छे तरीके से सेट कर लेती हूँ। तो ये तो हो चुके हैं मेरे आईब्रोज़ कंप्लीट, और जहाँ पे थोड़ा सा मुझे मोटा मोटा लग रहा है उसको मैं फिंगर टिप की हेल्प से इस तरीके से मैं लाइनिंग दे देती हूँ ताकि ये आईब्रोज़ के शेड जो हैं अच्छे लगें। और ये तो हो गया है मेरा आईब्रो मेकअप। सो नेक्स्ट, अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ये आईब्रो पेंसिल का एज अ काजल, तो इसको मैं एज अ काजल यूज़ कर रही हूँ। और सो दोनों आईज़ पे मैं इस तरीके से वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। और नेक्स्ट मैं अपना मेकअप प्रोडक्ट ढूँढ रही हूँ अभी। सो अभी बारी आती है मस्कारा की, तो इसको मैं लगा रही हूँ अपने आई लैशेस पे। सो अभी मैंने इक्विपमेंट जो यूज़ किए हैं वीडियो बनाने के लिए, मैंने फ़ोन लिया है और मेकअप प्रोडक्ट जो रखते हैं उसका स्टैंड ले रखा था, और साथ में फ्लैश लाइट ली हुई है फ़ोन की, तो इससे मैं जो है वीडियो बना रही हूँ। और अब मैं अप्लाई करूँगी ये वाटर आईलाइनर। तो ये वाटरप्रूफ आईलाइनर है, और अभी तो गर्मी होती नहीं है तो ठंडियों का सीज़न है, तो इस वजह से गर्मी नहीं लगती है, पसीना नहीं आता है, तो वो मेकअप फिक्सर की ज़रूरत नहीं है, इससे ही अच्छे से सेट हो जाता है। और ये तो हो चुका है मेरा आई मेकअप कंप्लीट। सो मैं दोबारा से इसकी जो विंग्स हैं जो बना लेती हूँ, क्योंकि विंग्स बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको कंप्लीट करने में भी टाइम लग जाता है। सो इसको मैं अच्छी तरीके से जो है विंग लाइन दे देती हूँ अपने दोनों आईज़ पे। तो इस तरीके से मैं अपने दोनों आईज़ को, मुझे ज़्यादातर विंग आईलाइनर लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं इस तरीके से अपने आईज़ में काजल अप्लाई करती हूँ एवरी टाइम। और नेक्स्ट मैं मस्कारा फिर से अप्लाई कर लेती हूँ ताकि सो बीच बीच में आपको बैकग्राउंड साउंड मिलता है तो उसको इग्नोर करें। और उसके बाद मैंने आई मेकअप तो कर लिया, अब मैं लगाऊंगी ब्लश। तो कंटूरिंग के लिए मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, तो इस वजह से मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। और ब्लश अप्लाई करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेकअप होता है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ब्लश करने के बाद आपके गाल जो हैं पिंकिश पिंकिश लगते हैं, और ब्लश करने के बाद आपकी जो खूबसूरती है वो और ज़्यादा उभर कर निखर कर आती है। तो मेकअप तो हो ही चुका है लगभग मेरा कंप्लीट। सो अब मैं करूँगी अपने आईज़ और चिक्स को हाईलाइट। तो इस तरीके से मैं अपने चिक्स बोन को हाईलाइट कर लूँगी, और नोज़ी में भी इस तरीके से मैं अप्लाई करूँगी इसको, और लिप पे भी। सो नेक्स्ट अब मैं लगाऊँगी अपने आई शेडो। तो पहले तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं मतलब आई शेडो लगाऊं आईज़ पे, तो बट मैं थोड़ा सा लाइट वाला लगा रही हूँ फिंगर टिप की हेल्प से, वो भी गोल्डन ब्राउन शेड है ये। तो इससे जो लगाने के बाद ना बिल्कुल पता नहीं चलता है, इट्स अ न्यूड शेड आई शेडो। तो आई शेडो पैलेट है ये, और ये बिल्कुल भी आपके आईज़ पे नहीं दिखता है, और इसमें आपकी आईज़ जो हैं अच्छी लगती हैं। सो आई मेकअप हो चुका है कंप्लीट। सो द नेक्स्ट मैंने अप्लाई कर लिया है ऑल द मेकअप। सो नेक्स्ट मेरा फेवरेट पार्ट बचा हुआ है लिपस्टिक, तो वो मैं अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पे।
सो ये जो है मैंने दिल्ली मार्केट से ख़रीदा था, सरोजनी, हाँ सरोजनी मार्केट से मैंने लिया था इसको 30 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में मुझे ये मिली थी। और इसका कलर जो है बहुत ही बढ़िया लग रहा था और बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना परचेज़ किया जाए। तो इसके साथ मैंने स्क्रब भी लिया था वहाँ से, तो आज मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब ये कलर जो है गर्ल्स का फेवरेट कलर होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उन पर, और ये सब पे बेस्ट लगता है। टीनेजर गर्ल्स या फिर वर्किंग वुमेन हो आप, या फिर आप होम में अपना मेकअप कर रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो दिस वन इज़ माय फाइनल मेकअप लुक। तो ये लुक आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं ड्रेस अब चेंज कर लेती हूँ बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने जैकेट पहनी हुई थी। सो ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना आप ये मेकअप लुक मेरा कैसा लग रहा है। और आज मुझे बाहर घूमने जाना है, कापासेड़ा हम बाज़ार घूमने जाएंगे, तो उसका भी नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी इसके बाद। तो कमेंट में ज़रूर बता दें मेरा ये लुक आपको कैसा लग रहा है। सिंपल क्यूट मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया अपना 31st ईव के लिए। सो गाइज मेरा मेकअप तो हो चुका है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।